हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेशन टू, और सेशन टू का नाम है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10th यूनिट 4 पार्ट बी। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्किंग के बारे में कि एक्चुअली में जो नेटवर्क है वो किस तरह से उसकी डिस्कवरी हुई या किस तरह से क्या आइडिया आया कि जो नेटवर्क है उसका खोज हुआ। बेसिकली पहले के जो कंप्यूटर थे उस कंप्यूटर पर जो लोग काम करते थे वो अकेले ही काम करते थे, लेकिन समय के बीतते हुए लोगों के दिमाग में आइडिया आया क्यों ना हम लोग किसी एक या दो या तीन कंप्यूटर से उसको साथ में जोड़ा जाए और किसी फाइल को एक दूसरे से ट्रांसफ़र या शेयर किया जा सके। तो यहाँ से जो नेटवर्क की जो उत्पत्ति है वो यहाँ से हुई। सबसे पहले समझते हैं कि नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस लिंक टू वन अनदर। नेटवर्क क्या है? एक ग्रुप ऑफ डिवाइसेस होता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है, अब जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग, यानी जो इंटरनेट है या नेटवर्क है उससे हमें क्या फायदे हैं। पहला जो फायदा है वो है इट ब्रेक्स द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस कॉस्ट एंड टाइम्स। यानी जो नेटवर्क है बेसिकली वो हमारे जीवन में काफ़ी योगदान देता है, वो हमारा टाइम बचाता है और हमारे पैसे भी बचाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जहाँ पर हो, आप सोचिए अगर आपको किसी दूसरे दोस्त या किसी दूसरे के रिलेशन के घर जाना पड़े, तो अगर आप रेंट यानी गाड़ी वगैरह से जाओगे तो आपको कास्ट देना पड़ेगा, आपके कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। लेकिन आप वहीं पर अगर आप डायरेक्टली नेटवर्क के थ्रू मोबाइल से कॉल करके उनसे बात करते हैं तो जो आपके पैसे हैं वो कम ही खर्च होते हैं और बाकी तर बच जाते हैं, आपका टाइम भी सेव हो जाता है। तो इस तरह से जो नेटवर्क है वो कास्ट इफेक्टिव भी है और टाइम भी बचाता है। दूसरी जो फ़ायदा वो है इट्स वेरी कास्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू टेलीफोन नेटवर्क्स। यानी टेलीफोन नेटवर्क के कम्पेयर से ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। ऑल टाइप्स ऑफ डेटा वॉइस टेक्स्ट ऑडियो वीडियो पिक्चर ग्राफिक्स एट्सेट्रा कैन बी ट्रांसमिटेड एंड शेयर थ्रू इट। हम लोग नेटवर्क के थ्रू डिफरेंट तरह के फाइल्स को या वीडियोस, ऑडियोस, इमेजेस, ग्राफिक्स वगैरह को हम लोग शेयर कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर। इट इन्हांसेस द कम्युनिकेशंस, और इससे हम लोग नेटवर्क के थ्रू हम लोग आपस में बात भी कर सकते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो नेटवर्क का टाइप होता है तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के नेटवर्क पाए जाते हैं। पहला है लोकल एरिया नेटवर्क जिसको लैन बोलते हैं, दूसरी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको मैंस बोलते हैं, थर्ड है वाइड एरिया नेटवर्क जिसको वैंस बोलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि लैन होता क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क लैन कैन स्प्रेड अप टू 1 किलोमीटर। जो लैन लोकल एरिया नेटवर्क जो नेटवर्क होता है वो मैक्सिमम 1 किलोमीटर तक फैल सकता है या जा सकता है, उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट आर कन्फाइड टू अ लोकलाइज्ड एरिया, यानी लोकल एरिया में उसको ले जा सके। जैसे कि ऑफिस है, बिल्डिंग्स है, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह है, तो वहाँ पर लोकल नेटवर्क का यूज होता है। दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है आर द नेटवर्क्स स्प्रेड ओवर अ सिटी। इस तरह के नेटवर्क को पूरे सिटी में कनेक्शन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल केबल टीवी नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो एक दूसरे से दूसरे देश में क्या होता है, कनेक्टेड होता है, उसको हम बोलते हैं वैन, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन कंपोनेंट रोल्स। यानी बेसिकली कितने तरह के नेटवर्क होते हैं उनके कंपोनेंट रोल के बेस पर। पहला है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है, दूसरा होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। अब जानते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता क्या है। ईच कंप्यूटर हैज अ डिजाइन फिक्स्ड रोल आइदर एज अ सर्वर और डेडिकेटेड सर्वर। अ क्लाइंट एंड वंस असाइन टू अ रोल कंप्यूटर कैन नॉट स्विच रोल्स। यानी क्लाइंट सर्वर जो नेटवर्क होता है उसको एक बार कोई रोल दे दिया जाता है या उसको कह दिया जाता है कि ये काम करना है तो वो फिक्स होता है, वो काम करता है। जैसे सर्वर कंप्यूटर है, क्लाइंट कंप्यूटर है। सर्वर कंप्यूटर क्या होता है? द रोल ऑफ द सर्वर इज द प्रोवाइड सर्विसेज टू द क्लाइंट ऑन द नेटवर्क।
यानी किसी क्लाइंट को क्या करना, सर्विस प्रोवाइड कराना नेटवर्क के थ्रू, उसको बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर किसको बोलते हैं? द रोल ऑफ द क्लाइंट इज टू प्रोवाइड वर्क स्टेशन फॉर द नेटवर्क यूजर्स टू यूज। यानी क्लाइंट कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि कोई यूजर है उसको वर्क स्टेशन प्रोवाइड करा रहा है, मींस जगह या प्लेस प्रोवाइड करा रहा है कंप्यूटर पर ऑपरेट करने के लिए, यूज करने के लिए। ठीक है, दूसरी है पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर। क्या होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क? इज अ नॉन डेडिकेटेड सर्वर है, कैन वर्क एज अ सर्वर और अ क्लाइंट एट एनी टाइम। सर्वर के जैसे भी या क्लाइंट के जैसे भी ये काम कर सकता है पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर। जैसे कि आप देख सकते हो ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है और ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में इसमें सर्वर होता है, यहाँ पर नेटवर्क बीच में होता है और यहाँ पर क्लाइंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्वर नहीं होता है पीयर टू पीयर में। ये डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को फाइल शेयर करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट। इंटरनेट क्या होता है और इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट इज अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशंस नेटवर्क। ये जो इंटरनेट है वो कंप्यूटर बेस्ड एक क्या है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, मीन्स ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। विच इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। यानी जो छोटे छोटे नेटवर्क से एक दूसरे में जो जुड़े हुए हैं उससे मिलकर बना है इंटरनेट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। इंटरनेट के पास डिफरेंट तरह के कंपोनेंट हैं। जो मोस्ट कॉमन कंपोनेंट है उसको बोलते हैं www मींस वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स that allows the multimedia and hypertext file to be created। यानी www यानी वर्ल्ड वाइड वर्ड का यही काम है, या एक तरह का ये प्रोग्राम है, स्टैंडर्ड है या प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू वेबसाइट पर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी मल्टीमीडिया फाइल को दिखा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इमेजेस हो गए, वीडियोज़ हो गया, ग्राफिक्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोग वेबसाइट पर डिस्प्ले करा सकते हैं। बिफोर द वर्ल्ड वाइड वेब यानी जब www नहीं आया था सबसे शुरुआत में, तो हम लोग सिर्फ वेबसाइट पर टेक्स्ट देख सकते थे, लेकिन जब से वर्ल्ड वाइड वेब आ गया है, इसका जब से डिस्कवरी हो गया है, तब से ढेर सारे मल्टीमीडिया फाइल को हम शेयर कर सकते हैं और वेबसाइट पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ये जो www का जो डिस्कवरी होता हुआ था, यह हुआ था 1989 में। ठीक है, जो कि ये HTML पर काम करता है और ब्राउजर पर काम करता है, जो कि यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया 1990 में। ओके, अब यहां बात कर रहा है डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट पूछ रहा है, तो देखते हैं यहां पर क्या क्या डिफरेंस है। www वाज प्रपोज्ड बिटवीन 1989 टू 1999 बाई टीम बर्नर्स-ली। जो टीम बर्नर्स-ली हैं उन्होंने इसकी डिस्कवरी किया था, इसको डेवलप किया था 1989 से लेकर 1991 के बीच में। मोस्ट पीपल थिंक दैट www इज इंटरनेट एंड वॉइस ओवर सर्विस इज नॉट ट्रू। यानी ढेर सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब है और इंटरनेट है वो एक ही चीज़ होते हैं, लेकिन नहीं है, वो अलग अलग होते हैं। इंटरनेट क्या होता है, एक दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड होता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है, ये मल्टीमीडिया फाइल को शो कराने में मदद करता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनेट के, पढ़ते हैं। पहला है फोरम। फोरम क्या होता है? वेयर पीपल कैन स्पीक हेल्प एंड एडवाइस अबाउट ए टॉपिक। यानी एक ऐसा एरिया या ऐसा हम बोल सकते हैं पेज वेबसाइट्स जहाँ पर लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे में लोग एडवाइस को शेयर करते हैं या एक दूसरे में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं एक दूसरे से। सेकेंड है रिसर्च डेटाबेस। जो रिसर्च डेटाबेस होती है वो यूनिवर्सिटीज़ और लार्ज कंपनी के द्वारा यूज की जाती है। ठीक है, यूजनेट क्या होता है? डिस्कशंस ग्रुप होता है एक यूजनेट। ठीक है,
अबाउट स्पेसिफिक सब्जेक्ट फ्रॉम द लेटेस्ट बॉय एंड बैंड टू फेवरेट पेज फॉर एग्जाम्पल गूगल ग्रुप्स, यानी एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है जो कि एक ग्रुप क्रिएट करके वो लोग आपस में बात कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट है ईमेल इंस्टेंट मैसेजिंग। ईमेल इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है, एक तरह का ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी मैसेज को भेजते हैं। टेलनेट क्या है, टेलनेट हम बोल सकते हैं टेलनेट एक तरह का क्या है देखते हैं। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटरनेट इट्स नॉट अ सेम एज ए वर्ल्ड वाइड वेब। द इंटरनेट इज टू द वर्ल्ड वाइड वेब एज ए यूरोपियन जर्मनी वन इज द कंटेनर द अदर इज एन आइटम विद इन द कंटेनर। ये क्या है, टेलनेट एक रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल है। आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरनेट कंपोनेंट FTP, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेव, P2P, टेलनेट, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये सारे क्या हैं, इंटरनेट के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट टर्मिनोलॉजी क्या होता है, जान लेते हैं पहले इंटरनेट के कंपोनेंट के बारे में। पहले क्लाइंट किसे कहते हैं, एनी कंप्यूटर ऑन नेटवर्क्स दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, यानी कोई ऐसा इंसान जो इंटरनेट के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू दूसरे इंसान को कॉन्टैक्ट करता है या सर्विस प्रोवाइड कराता है, सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है, उसको हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। सर्वर किसे कहते हैं, एनी कंप्यूटर दैट रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर, कोई ऐसा कंप्यूटर जो क्लाइंट के कंप्यूटर के थ्रू कोई रिक्वेस्ट रिसीव करे उसको बोलते हैं सर्वर। वेब पेज किसको बोलते हैं, एनी डिजिटल पेज डॉक्यूमेंट होस्टेड ऑन इंटरनेट, कोई ऐसा पेज जैसे बोल सकते हैं वेबसाइट्स, उसको बोलते हैं वेब पेज। वेबसाइट्स क्या होता है, पेजेस जो होते हैं वेबसाइट पर उसको बोलते हैं वेब पेज। वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ इंटरकनेक्टेड पेजेस, वेब पेजेस, यानी ढेर सारे वेब पेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वेब पोर्टल क्या कहलाता है, अ वेबसाइट और सर्विस दैट ऑफर्स अ ब्रॉड एरे ऑफ रिसोर्स सच एज ईमेल्स फोरम सर्च इंजन अमंग द अदर्स। वेब पोर्टल इसको कहते हैं, एक तरह का क्या है, एक तरह का बोर्ड बोल सकते हो या एक तरह का ऐसा एरिया जिसके थ्रू हम लोग ईमेल्स फोरम सर्च इंजन्स वगैरह सर्च करते हैं, उसको बोलते हैं वेब पोर्टल। वेब ब्राउजर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कि जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट को चलाते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये क्या है, एक तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू इंटरनेट चलाया जाता है, वेब ब्राउजर बोला जाता है। वेब क्लाइंट्स क्या होते हैं, वेब क्लाइंट्स इज अ प्रोग्राम और अ कंपोनेंट ऑन अ क्लाइंट साइड दैट रिक्वेस्ट एंड यूजेस सर्विस प्रोवाइडेड बाय वेब सर्वर, यानी वेब सर्वर द्वारा प्रोवाइड किया गया सर्विस वेब क्लाइंट जो है वो यूज करता है, ठीक है। URL क्या होता है, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक यूनिक एड्रेस होता है वेब पेज के लिए इंटरनेट पर। ब्लॉग क्या होता है, शॉर्ट फॉर वेब लॉग, इसको वेब लॉग भी बोलते हैं, और ये क्या है, एक तरह का एक ऐसा ब्लॉग होता है, मीन्स पर्सनल चीज़ें उस पर क्या करते हैं लोग शेयर करते हैं, उसको बोलते हैं ब्लॉग। ब्लॉगर क्या होता है, द ऑथर ऑफ द ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगर, यानी जो ब्लॉग को लिखते हैं उसको बोलते हैं ब्लॉगर। ब्लॉगिंग क्या होता है, द एक्शन ऑफ राइटिंग ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग, यानी कुछ लिखते हैं वेबसाइट्स पर उसको बोलते हैं ब्लॉगिंग। न्यूज़ ग्रुप क्या होता है, आर द इंटरनेट डिस्कशन फोरम वेयर ग्रुप ऑफ यूजर्स विद कॉमन इंटरेस्ट गेदर टू डिस्कस ऑन अ कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, यानी ऐसा डिस्कशंस फोरम है जहाँ पर ढेर सारे लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा नहीं होते मतलब कि हम इंटरनेट पे लोग ग्रुप बनाते हैं और उसमें किसी पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में बातें करते हैं। ईमेल, ईमेल जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है जिससे हम लोग मैसेज वगैरह सेंड करते हैं। ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस आप देख सकते हो किस तरह दिखता है, इसको बोलते हैं ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट है इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शंस, किस तरह से इंटरनेट से हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं तो देखते हैं यहाँ पर। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनेट, अगर हमें इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो हम लोग किसके थ्रू हो सकते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, ये कंपनी है जो कि हमें अलाउ करता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। पहला है थ्रू डायल अप कनेक्शंस, पहला है कि डायल अप कनेक्शंस के थ्रू भी हम लोग इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। डायल अप कनेक्शंस मेक द इंटरनेट अवेलेबल एज यू लॉन्ग एज यू रिमेन कनेक्टेड, जितना मतलब कि बोल सकते हैं डायल अप कनेक्शन जो है, जब तक आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तब तक रह सकते हैं।
नेक्स्ट है थ्रू ब्रॉडबैंड। अब ब्रॉडबैंड के थ्रू भी आप कनेक्टेड रह सकते हैं। तो ब्रॉडबैंड क्या होता है, इसको बैंडविड्थ भी बोला जाता है। बैंडविड्थ रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ सिग्नल और अ सर्किट कैन कैरी। ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ डेटा को कैरी करता है या सिग्नल को कैरी करता है, इसको बोलते हैं ब्रॉडबैंड, काफ़ी फास्ट चलता है। थ्रू वायरलेस कनेक्शंस, यानी वायरलेस कनेक्शंस के थ्रू भी हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाईफाई, जैसे आप वाईफाई अपने फ्रेंड वगैरह से क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। नेक्स्ट है वाईफाई हॉटस्पॉट भी लेते हो, इसके थ्रू भी आप क्या होते हो, कनेक्ट होते हो। वाईमैक्स है, इसके थ्रू भी आप कनेक्ट होते हो। ये सारी चीज़ें हैं जो वायरलेसली काम करता है। यहाँ है कंपेयरिंग डिफरेंट कनेक्शंस टाइप, यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है किसके बारे में, डायलप के बारे में, ब्रॉडबैंड के बारे में, वायरलेस के बारे में। डायलप क्या होता है, इनएक्सपेंसिव, मतलब ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है। ब्रॉडबैंड क्या है, काफ़ी तेज चलता है, ठीक है। वायरलेस क्या है, ये काफ़ी कम खर्चा होता है। यहाँ पर लिमिटेशंस है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, पढ़ सकते हैं। और इस चैप्टर की अगर हम बात करें, यहाँ पर दिया गया है एक्सरसाइज और सॉल्यूशंस इस चैप्टर का, एंड द मेन क्वेश्चन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हियर यू कैन सी। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।